अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत खुशी का दिन है, 14 अगस्त है। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी की ढेर सारी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हों। और दूसरा ये कि अभी आपको दिखाते हैं आज की मेरी क्या रूटीन है। अभी चाचू के साथ शायद मैं बाहर जाऊँ, इधर म्यूनसिपल कमेटी वाली साइड पे या कहीं और, तो देखते हैं। अभी चाचू के साथ जाने का इरादा है मेरा, तो आपको आज की मसरूफियात भी दिखाते हैं। और एक बार फिर से आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से मनाइएगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। वो प्लेट में रख के तो हमें ये आज़ादी नहीं मिली, बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिली है। तो स्पेशली उन लोगों से गुजारिश है जो सलंसर मोटरसाइकिल का उतार कर पाँ पाँ करते फिरते होते हैं गली मोहल्लों में, उन्हें तो आज़ादी की कदर का पता नहीं है ना। तो खैर, अभी चलते हैं भाई चाचू के साथ।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये मेरे सर हैं, मैंने इनके पास मैट्रिक की है, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज के दिन के हवाले से मेरे चैनल के लिए, तो 14 अगस्त के दिन के हवाले से कोई गुफ्तगू फरमा दें मेरे चैनल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है और आज़ादी की कदर वही जानता है जो इस सारे प्रोसेस से गुज़रा हो। वो एक मशहूर कहावत है, ब्लेसिंग इज़ ओनली वैल्यूड वैन इट हैज़ बीन लॉस्ट। तो अंधा ही जानता है आँखों की कदर। तो अल्लाह तबारक व ताला का बहुत ज़्यादा एहसान है कि हम पाकिस्तानी एक आज़ाद शहरी की हैसियत से अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। और ये जो शेर एक पढ़ूंगा कि हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और उन कुर्बानियों के बाद हम आज इस आज़ादी की नेमत से सरफराज हुए हैं। तो मैं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। अल्लाह तबारक व ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नज़र ये कता करूँगा कि हवा के रुख पे चिराग़े उल्फत की लौ बढ़ा कर चला गया है, वो एक दिए से न जाने कितने दिए जला कर चला गया है। उदास रुत में कहीं परिंदे खुद अपनी बोली न भूल जाएं, वो सब परिंदों को एक नई सी जुबान सिखा कर चला गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद।